सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उनदीम रबीन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक। तो दोस्तों बात करते हैं सैमसंग के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन के सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में। तो देखें ये हमारे पास स्मार्ट इन्वर्टर है। तो जी मैंने सुन लिया जी बिल्कुल जी। आप सोच रहे हैं कि मैंने तो आपको जो है वन वायर और टू वायर सीरियल कम्युनिकेशन का थंबनेल दिखाया है, लेकिन इसमें तो मैं सैमसंग की बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आपने सही सुना है, बिल्कुल आपने सही देखा है और सुना भी है कि मैं सैमसंग की बात कर रहा हूँ। और सैमसंग में क्या है जी, देखें यहाँ पे जो है वो टू वायर सीरियल कम्युनिकेशन आता है। देखें यहाँ पे अगर मैं थोड़ा फोकस कर लूँ जी, तो देखें यहाँ पे टू वायर्स F1 F2 की सूरत में मौजूद है। जबकि नॉर्मली अगर मेरे दोस्त बहुत से जो प्रोफेशनल हैं, जो काम करने वाले हैं, वो ख़ास तौर पे ये जानते होंगे कि ज़्यादातर यूनिट्स में वन वायर या ब्रांड जितने भी हैं वो वन वायर सीरियल कम्युनिकेशन मैन्युफैक्चर करते हैं। जबकि सैमसंग के ये 1.5 टन का यूनिट है, इसमें देखें टू वायर्स सीरियल कम्युनिकेशन आता है। जबकि ये देखें आउटडोर है, आउटडोर में भी दो ही वायर्स हैं। तो इसकी क्या वजह है कि ये वन वायर और टू वायर्स सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है और इसमें क्या फ़र्क है? तो मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि हमने F1 F2 पे सीरियल कम्युनिकेशन चेक करने कैसे करना है, जबकि जो सिंगल वायर सीरियल कम्युनिकेशन टेस्टिंग का तरीका है और क्या होता है वो हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा देखें हमारे पास ये यूनिट मौजूद है जो सैमसंग का 1 टन का PCB है आउटडोर का। तो इसमें देखें कंपनी कुछ इस तरह से मैन्युफैक्चर कर रही है कि इसमें देखें मैं अभी फोकस हो जी तो न्यूट्रल 1-2 यानी कि इसमें भी वन वायर सीरियल कम्युनिकेशन मौजूद है। इसकी क्या वजह है कि कुछ यूनिट में दो वायर्स आ रही हैं और कुछ यूनिट में एक वायर आ रही है, तो आज मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताएंगे। और दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपने जो सीरियल कम्युनिकेशन है, जो टू वायर सीरियल कम्युनिकेशन है, आपने उसको चेक कैसे करना है। तो आपने क्या करना है, देखें जो मल्टीमीटर होता है, देखें मेरे पास मल्टीमीटर है इस वक्त मौजूद है। तो मल्टीमीटर को आप सेट कर लेंगे, देखें डीसी जो वोल्टेज है वहाँ पे सेट कर लें। तो डीसी वोल्टेज पे सेट करने के बाद आपने जो इसकी जो दोनों प्रोब्स हैं उसको क्या करना है कि एक प्रोब को आपने इंस्टॉल कर देना है जी। देखें जैसे कि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पे, तो किसी भी एक वायर को आप इंस्टॉल कर देंगे F1 पे और दूसरी वायर को F2 पे। तो इस तरह से आप इसके सीरियल कम्युनिकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। और आप दोस्तों यूनिट को हम कर लेंगे ऑन। तो देखें यूनिट को हमने ऑन किया, तो देखें इसकी लाइट ऑन हो चुकी है। तो जब हम सीरियल कम्युनिकेशन देखते हैं तो इसमें भी यूनिट जो है वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं इनडोर आउटडोर, और किस तरह से वही जो डीसी वोल्टेजेस हैं उसकी फ्लक्चुएशन हो रही है, कभी कम हो रहे हैं कभी ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसमें भी देखें हाई डीसी वोल्टेजेस जो हैं वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। दोस्तों अगर बात की जाए कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन एक वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें ब्रांचेज हैं जी, सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन। तो सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन पे इसलिए बात करेंगे क्योंकि हमने वायर्स के बारे में जानना है कि ये वायर्स क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। तो जो सीरियल कम्युनिकेशन होता है उसको हम अचीव कर सकते हैं वन वायर के साथ, जबकि जो पैरेलल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें मल्टी वायर का इस्तेमाल किया जाता है, 1, 2, 3, 5, 10, और जबकि मिनिमम आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, जबकि कम से कम एक वायर से सीरियल कम्युनिकेशन अचीव किया जा सकता है। अब इसमें क्या होता है कि एक रिसीवर होता है और एक सेंडर होता है, कोई से भी कर लें, ये रिसीवर और सेंडर, यानी कि एक डेटा सेंड कर रहा होता है और एक रिसीव कर रहा होता है। लेकिन जो हमारे डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन है इसमें क्या होता है, इनडोर होता है और आउटडोर होता है। तो ये एक दूसरे को दोनों डेटा सेंड भी कर रहे होते हैं और रिसीव भी कर रहे होते हैं। तो ये जो है वो एक केबल के थ्रू काम पॉसिबल है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आगे ये दो केबल्स का क्या चक्कर है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जी इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, कि ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये मैन्युफैक्चर वन वायर और टू वायर क्यों किए जा रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे इस वक्त 3 जो PCB मौजूद हैं आउटडोर, और इनमें मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं जी ये टू वायर्स की। तो यहाँ पर क्या किया गया है जी कि टू वायर्स इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे साथ में एक
सर्ज वोल्टेजेस के लिए कैपेसिटर्स लगाए गए हैं ताकि अगर सर्ज वोल्टेज आए तो ये ग्राउंड हो जाए। इसके बाद यहाँ पे लाइन फिल्टर भी इस्तेमाल किया गया है ताकि जो है वो स्पाइक्स को कम किया जा सके, क्योंकि हाई डीसी वोल्टेजेस हैं इसलिए इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इसके बाद अगर मज़ीद देखा जाए तो यहाँ पे एक और जो है वो लाइन फिल्टर इंस्टॉल किया गया है, तो ये भी स्पाइक्स को कम करने के लिए है। इसके बाद डायोड्स और कुछ जो है वो रेजिस्टेंस वगैरह हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखें ये वाला जो आईसी है ये है 81487 इसका नंबर है। ये जी ट्रांसीवर आईसी है जिसका काम है जी इसके साथ आउटडोर और इंडोर के दरमियान कम्युनिकेशन को जनरेट करना, और जो इसका माइक्रो कंट्रोलर है इसके साथ इसके कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाना। तो ये सारा सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इसके बाद अगले पीसीबी की बात कर लेते हैं, तो ये देखें यहाँ पर भी एक आईसी इंस्टॉल किया गया है। देखें ये जो आईसी है इसका नंबर कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, और ये ओ जनरल का पीसीबी है। तो यहाँ पे वन वायर इंस्टॉल किया गया है जबकि यहाँ पे हाई वोल्टेजेस आ रहे होते हैं, और ये भी हाई वोल्टेजेस जो है वो जनरेट करता है डीसी वोल्टेजेस और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे आखिर में मेरे पास जो पीसीबी पड़ा हुआ है इसमें देखें ये ऑप्टोकुपलर जो है वो इसमें यूज़ किए गए हैं। तो जब ऑप्टोकुपलर यूज़ किए जाते हैं तो ये जो सिस्टम है सबसे चीप सिस्टम जो है मार्केट में अवेलेबल है, तो इसलिए सबसे चीप सिस्टम जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और बहुत सारी कंपनी ये अडॉप्ट करती हैं, और ये भी वन वायर कम्युनिकेटेड होता है। अब मेरे जहन में भी ये सवाल आ रहा है और आपके जहन में भी आ रहा होगा कि ये एक केबल के ज़रिए से डेटा कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जबकि यहाँ पे तो दो केबल्स हैं तो दो केबल की तो समझ लॉजिक बनता है, लेकिन वन केबल का कैसे लॉजिक बनता है, तो आए इसकी वो आपको समझा देते हैं। और दोस्तों अभी बात कर लेते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस की और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की। तो ये हम बात क्यों कर रहे हैं आगे चल के आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस होते हैं उसके लिए हमें चाहिए होता है डीसी करंट या डीसी वोल्टेजेस चाहिए होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं इसके लिए हमें एसी वोल्टेजेस चाहिए होते हैं। तो दोनों जो हैं वो अगर आपने किसी भी अप्लायंस को जो है वो ऑपरेट करना है तो अगर आप एक वायर के साथ ऑपरेट करना चाहें तो आप उसको कभी भी ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर वो डीसी है डीसी अप्लायंसेस हैं तो उसके लिए हमें दो वायर्स की ज़रूरत पड़ती है। उसकी क्या वजह है कि एक पे जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, जबकि अगर वो अल्टरनेटिव करंट या वोल्टेजेस हैं तो उसके लिए हमें लाइन और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है, तो फिर हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं और हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। अदरवाइज़ ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो उसको हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं आपको ये वन वायर का भी लॉजिक समझा देते हैं और टू वायर का भी लॉजिक समझा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पीसीबी सर्किट या कोई भी अप्लायंस है वो दो वायर्स के बगैर ऑपरेट नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो वन वायर से ऑपरेट हो रहा होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि ये जो इसका कम्युनिकेशन वायर होती है इस पे फेज़ या फिर आप कह सकते हैं कि इस पे जो है वो पॉजिटिव वोल्टेजेस आ रहे होते हैं, और इसका जो नेगेटिव पॉइंट होता है या नेगेटिव जो होता है वो इसके पीसीबी के अंदर ही इसको कॉमन कर दिया जाता है जो कि हमें दिखता नहीं है। इस वजह से हमें वहाँ पे वन वायर यूज़ इस्तेमाल में नज़र आ रही होती है, जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो टू वायर्स हैं। तो इसका जो कॉमन पॉइंट है या जो इसका नेगेटिव कॉमन जो पीसीबी के अंदर करना था कंपनी ने क्या किया है उसको भी बाहर निकाल दिया है, जिसकी वजह से हमें दो वायर्स एक साथ अटैच करनी होंगी। और इसका फ़ायदा ये है कि कंपनी ने इस वजह से किया है कि ताकि कनेक्शंस में गलती ना हो। अक्सर जो मेरे दोस्त हैं वो इस किस्म के कनेक्टर पर गलती कर जाते हैं और जो फेज़ न्यूट्रल इधर लगा देते हैं या कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है जिससे कि पीसीबी के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है डैमेज होने के चांसेस कम रहेंगे क्योंकि गलती के चांस कम होंगे, क्योंकि इसका नेगेटिव पॉजिटिव जो है या जो मेन सप्लाई है वो हमने अलग कनेक्टर्स पे देनी है और इसके जो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए हमें अलग वायर्स यूज़ करनी होगी, और उनका कलर भी डिफरेंट दिया गया है, देखें ब्लू और रेड दिया गया है, और यहाँ पे देखें सेम 1 2 3 लिखा है, तो जिसको कि समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है लेकिन उसको समझना ज़्यादा आसान है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस बात की आपको समझ आ गई होगी कि ये दो वायर्स क्यों हैं यहाँ पे। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तो देखते रहें फॉर आवर टेक।